जेल की दाल रोटी खाने से नवजोत सिंह सिद्धू का इनकार, ले जाना पड़ा अस्पताल। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद है। वो 33 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया है। उन्हें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। दरअसल जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, ये सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। दरअसल सिद्धू ने दावा किया है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। वो जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे हैं। सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है। इसे देखते हुए सिद्धू ने जेल प्रशासन से स्पेशल डाइट की मांग की है। सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला ने कहा कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, लंबे समय से वो रोटी नहीं खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशल डाइट मांगी है। इसके बारे में उन्होंने मेडिकल के दौरान भी जानकारी दी थी। कोर्ट ने उनका मेडिकल चेकअप कराकर 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।